गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और आज मेरा ब्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह 7 बजे से, और आज मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी। आज मेरे सुबह ही कपड़े धुल गए हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर शाम को ही धोती हूँ, और मौसम भी ख़राब हो रहा है। 5-6 दिन हो गए जब से, तो धूप तो वैसे भी नहीं निकल रही है, चाहे सुबह धो या शाम को धो। तो मैंने सोचा चलो आज सुबह सुबह मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो चलिए, मेरे कपड़ों का भी काम निबट गया है जल्दी से। मैं कपड़े सुखा दिए हैं और अब बनाना है मुझे नाश्ता, तो मैं बनाती हूँ नाश्ता अपना। और नाश्ते में मैं बना रही थी मटर और पनीर का पराठा, जो मैंने, देखो मैं रेडी कर रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा प्याज काट लिया है, हरी मिर्च, और ये पनीर था वो मैंने घिया कस कस लिया है। और इसमें डालूँगी ये मटर। तो मटर को मैंने थोड़ा सा उबाल लिया है, क्यों, उबालने के बाद मटर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो अब ये सारा मसाला मैं मिक्स कर लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी इसका पराठा। तो ये पराठे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अब सर्दी है, सर्दियों में तो पराठे वैसे भी अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में बना लो, गोभी का पराठा बनाओ या आलू का बनाओ, किसी का भी बनाओ, सुबह सुबह अच्छा लगता है नाश्ते में। चाहे बेशक मोटापा कितना भी बढ़ जाए, लेकिन खाने में बड़ा स्वाद लगता है ये। तो मैंने सोचा चलो आज पनीर का पराठा बना लेती हूँ। और ये पराठा मैं बनाती हूँ मटर का, पनीर का, या मैं गोभी का बनाऊँ तो मैं 2 पूड़ियाँ बेल लेती हूँ, उसके बाद ही भरती हूँ इसको। ऐसे बनाओ तो ये फटता नहीं है, क्योंकि इसमें मटर पड़ी होती है, तो इसमें फटने का डर रहता है अगर एक ही पूड़ी बेल के उसके बाद भरो तो। और डबल कर लो तो ये फटता नहीं है, और बेलने में भी आसानी रहती है, आराम से बेल जाता है ये। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ इसको। और इधर इनको भूख लगी हुई थी, तो ये कह रहे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैंने बोला हलवा रखा है गाजर का, वो थोड़ा सा खा लो, और जब तक मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ, तो वही ये लेने आए थे। तो चलिए मैं अपना नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। खाना बनाने के बाद किचन इतना फैल जाता है, और मेरा ये है जब तक सफाई ना कर लूँ, जब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो सारा इतना गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसकी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि जब दोबारा खाना बनाना होता है, चाय बनाऊँ या फिर दोपहर का खाना बनाऊँ, तो फिर गंदा पड़ा रहता, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं नाश्ता करके फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसकी सफाई कर देती हूँ। और मिट्टी तो इतनी ज़्यादा हो जाती है, दिन में 2 बार 3 बार कपड़ा मारना पड़ता है, पता नहीं कितनी मिट्टी आती है। तो चलिए मैं इसको सफाई कर देती हूँ इसकी। और आज मैंने सुबह दूध भी नहीं गर्म किया था, तो दूध भी रखा हुआ मेरा गर्म करने के लिए, तो मैं दूध भी रख देती हूँ, गर्म हो जाएगा मेरा। और इधर मैंने सफाई भी कर दी है, तो चलिए सारे काम हो रहे हैं मेरे इधर। कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ दूध गर्म करना, क्योंकि शाम को बच जाता है, तो मैं सुबह चाय बना लेती हूँ, तो फिर मुझे याद नहीं रहता है। तभी मैंने फ्रिज खोला तो देखा दूध रखा हुआ गर्म करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो इसको गर्म कर देती हूँ, तब ये गर्म होता रहेगा धीरे धीरे।
मैंने कल बाजरा साफ किया था, मैंने सोचा था थोड़ा सा पिसा लूंगी आटा उसका, तो थोड़ा सा उसमें निकल आया। मैंने सोचा कबूतर को डाल दूंगी, अयान ने सारा फिला रखा है। क्या कर रहा बेटा, खाई जाएगा आनो? दूध पीना है, चाय पीनी, क्या पीनी है बोलो? चाय। क्या पीना है? दूध। इधर देखो, क्या पीना है? नहीं, गुस्सा हो गया। अगर इसको दूध डाल के दो तो ये दूध नहीं लेगा, और चाय जैसा कलर आ जाता है वॉलवीटा डाल के तो ये पी लेगा थोड़ा सा, है ना? चाय पियोगे या दूध लेना है? क्या लेना है? ये लेना है। चाय पीनी है, चलिए चाय पीते हैं। और ये अयान का पराठा रखा था, अयान अभी सो के उठा है तो अयान को पराठा खिलाती हूँ, चलो। अच्छा चल, रो रो समझ नहीं आता कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, तो मैंने सोचा चलो आज पत्ता गोभी की सब्जी बनाती हूँ, पत्ता गोभी और मटर की भुजिया बना लेती हूँ। तो वही मैंने रखी है काटने के लिए, मैंने चलो बैठे बैठे काट लेती हूँ। और अयान भी अभी बाहर चला गया, माना नहीं बिल्कुल भी, इनको जाना था कुछ सामान लेने के लिए तो साथ में वो भी चला गया। तो मैंने सोचा चलो जब तक सब्जी काट लेती हूँ आएगा, वैसे तो आने ही वाला होगा, काफी देर का गया हुआ है। और ठंड इतनी हो रही है, मानता नहीं है बिल्कुल भी, सोचती इसको बाहर ना भेजू लेकिन फिर भी नहीं मानता, रो के पीछे ही पड़ जाता है। मुझे लग रहा आ गया है, ले आई गाड़ी बेटा, तुम्हें कितनी गाड़ी चाहिए? तुम्हारा पेट नहीं भरता गाड़ी से बिल्कुल भी, अम्मा से हटा दो। मैं सोच रही थी मेरी अयान आने वाला होगा, काफी टाइम हो गया था इसको गए हुए, और ये कल भी लेके आया था एक गाड़ी, परसों भी लाया था, आज फिर ले आया है। वो पुराना हो गया है, क्या पहिया खराब हो गया उसका? बेटा तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं होती ना कभी, है ना? क्या है ये अनु का गाड़ी है ये? अब इसे खेलो, चलो खेलते खेलते ये सो गए हैं, और आज ये जल्दी सो गया है। अभी 7 बज रहे हैं और ये आज जल्दी सो गया, 7 बजे ही सो गया है, इसने कुछ खाया पिया भी नहीं है, बस खेलते ही खेलते सो गया है। ये कभी भी कोई चीज मांगता तो मैं इसको मना नहीं कर पाती हूँ, कभी भी ये मुंह से कोई चीज निकालता तो मुझे ऐसा लगता है कि बस इसको लाके मैं दे दूं, क्योंकि मुझे ये इतनी परेशानियों से मिला है, मैंने काफी इंतजार किया है इस दिन का। कहते नहीं है एक होता है कि अम्मा बनना सबसे औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है, जब एक औरत माँ बनती है तो उसके लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है, वो भी मेरे साथ भी है, कि मैं अपने बेटे को भी किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकती हूँ। कभी भी कोई चीज मांगता है तो मुझे ऐसा लगता है इसे फटाफट लाके दे दो। कभी भी हम लोग मार्केट जाते थे तो ऐसा लगता था, देखते हैं ना जब मॉल में जाते हैं तो बच्चों के कपड़े देखते हैं तो लगता है कि चलो खरीद लो, तो पहले तो दूसरों के बच्चों के लिए खरीदते थे तो ऐसा लगता था काश ये दिन कब आएगा जब मैं अपने बच्चे के लिए खरीदूंगी, तो वो खुशी मुझे काफी दिनों बाद मिली है, काफी सालों बाद मिली है ये, तो इसलिए मैं कभी भी अपने बेटे को मना नहीं कर पाती किसी चीज के लिए, कभी भी वो कोई चीज मांगता मैं जब ही उसको लाके देती हूँ। अब जाके भगवान ने मेरा वो सपना पूरा किया है,
अभी होता, अब कभी भी मैं जाती हूँ तो कुछ ना कुछ अयान के लिए जरूर लेके आती हूँ। चाहे मैं घर का भी सामान लेके आऊँ ना, तो उसमें अयान का सामान जरूर होगा कुछ ना कुछ। कहते नहीं ये खुशी मिलती है अपने बच्चे के लिए कोई चीज लेके आओ तो, कितना अंदर से इतनी खुशी होती है, बहुत ज्यादा है। कभी ऐसा टाइम था मैं दूसरों के बच्चों के लिए लेके आती थी। और कहते नहीं अपना अपना होता है, चाहे कितना भी किसी के लिए भी कर लो, अपना बच्चा अपना ही होता है। जब वो माँ बोलता है तो अंदर से कितनी खुशी मिलती है। और इस दिन का मैंने बहुत इंतजार किया है कि कब मेरा बच्चा होगा जो मुझे माँ बोलेगा, क्योंकि ये खुशी भी किस्मत वालों को ही मिलती है, और जो मुझे मिली है काफी सालों के बाद मिली है। मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने तो आस ही छोड़ दी थी बिल्कुल कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। लेकिन कहते नहीं है किस्मत में अगर आपके जो चीज बदी हो तो वो देर से कभी ना कभी तो आपको मिलेगी, वो मेरे साथ हुआ है। तो कहते नहीं मेरा बेटा मुझे इतने दिनों बाद मिला है, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलिए अब मैं यान की ज्यादा बात नहीं करूंगी, नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा फिर। मैं कभी भी जब इसकी अकेले में बात करती हूँ ना, तो मुझे पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। तो चलिए अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो अभी मैं जा रही हूँ अपना खाना बनाने के लिए। और आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करूँगी। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।